जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की साल 2023 की दूसरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें मंडल जिले से तमाम महत्वपूर्ण रेल संबंधित सुझाव व मांग रखी गयी। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 24 मई को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में वर्ष 2022-23 हेतु गठित मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति द्वितीय बैठक श्रीमती नमिता त्रिपाठी मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मंडल से DRUCC मेंबर श्री विवेक अग्निहोत्री जी ने मंडल से महत्वपूर्ण सुझाव रखे। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2015 में मंडल फोर्ट स्टेशन से नैरोगेज ट्रेन का संचालन बंद होने के पूर्व मंडल से जबलपुर, बालाघाट, गोंदिया, सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर आदि निकटवर्ती प्रमुख शहरों के लिए सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध थी। वर्ष 2015 में जब गेज परिवर्तन के लिए ब्रॉडगेज ट्रेन का संचालन बंद हुआ, तब उम्मीद जागी थी कि ब्रॉडगेज ट्रेन प्रारंभ होने के बाद जनजातीय बहुल्य क्षेत्र वासियों का देश के प्रमुख शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हम सभी क्षेत्र वासियों ने बहुत बेसब्री से 6 वर्षों तक गेज परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने का इंतजार किया। अब जबकि मंडला नैनपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण हुए 3 वर्ष होने जा रहे हैं और मंडला फोर्ट से यात्री गाड़ी चलना प्रारंभ हुए 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो जाने के बावजूद मंडला फोर्ट से चल रही ट्रेन मंडला वासियों के लिए अनुपयोगी साबित हो रही है। बड़े खेद का विषय है कि अभी भी मंडला के यात्रियों को ट्रेन सुविधा के लिए सड़क मार्ग से जबलपुर रेलवे स्टेशन जाना पड़ रहा है। आपसे अपेक्षा कि आप जनजातीय बहुल्य क्षेत्र वासियों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझते हुए मंडला फोर्ट से यात्री गाड़ियों की सुविधा विस्तार करने का प्रयास करेंगे। पहला सुझाव, वर्तमान में मंडला फोर्ट से सिर्फ नैनपुर तक के लिए 2 ट्रेनें संचालित हो रही है और इन ट्रेनों का समय भी ऐसा है कि वे मंडला के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रही है। इससे क्षेत्र में घोर निराशा है। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए मंडला फोर्ट से पूर्व की भांति नैरोगेज के समय जबलपुर, गोंदिया और नागपुर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जाए। दूसरा सुझाव, मंडला फोर्ट स्टेशन में प्लेटफॉर्म की कम लंबाई और पिट लाइन एवं स्टेबलिंग लाइन नहीं होने की वजह से गाड़ियों का परिचालन संभव नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे आग्रह है कि लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ किए जाने के लिए उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य जो भी आवश्यकता होती है उनका मंडला फोर्ट स्टेशन में निर्माण किया जाए। यहां के लोग देश प्रदेश के बड़े शहरों में जाने के लिए सड़क मार्ग से जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से ट्रेनें पकड़ते हैं। ऐसे में जबलपुर से मुंबई, दिल्ली, भोपाल एवं इंदौर के लिए चलने वाली ट्रेनों के लिए मंडला से कनेक्टिंग ट्रेन चलाया जाने की आवश्यकता है। चौथा सुझाव, मंडला जिले से बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने और रोजगार के लिए नागपुर, जबलपुर जाते हैं। ऐसे में यदि जबलपुर और नागपुर के लिए कनेक्टिंग ट्रेन चलाई जाती है तो क्षेत्र वासियों के लिए लाभप्रद होगा। पांचवा सुझाव, मंडला फोर्ट से बालाघाट, गोंदिया की ओर जाने के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। पूर्व में मंडला से यात्री नैनपुर पैसेंजर से शाम 4:25 से रवाना होकर 5:30 पर नैनपुर पहुंचते थे, जहां उन्हें 5:45 पर गोंदिया पैसेंजर ट्रेन मिल जाती थी। लेकिन गोंदिया नैनपुर पैसेंजर ट्रेन जबलपुर गढ़ा तक विस्तारित होने के कारण नैनपुर से गोंदिया जाने का समय परिवर्तित होकर शाम 5 बजे हो गया है। मंडला से पैसेंजर ट्रेन जब 5:30 पर नैनपुर पहुंचती है, तब तक गढ़ा गोंदिया पैसेंजर ट्रेन नैनपुर स्टेशन से गोंदिया की ओर रवाना हो चुकी होती है। अतः उक्त गढ़ा गोंदिया पैसेंजर के नैनपुर से छूटने के समय मंडला नैनपुर पैसेंजर के नैनपुर पहुंचने के बाद किया जाए, जिससे मंडला के लोगों को बालाघाट, गोंदिया के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी पहले की तरह मिल सके। छठवां सुझाव, मंडला से नैनपुर के मध्य एक सवारी ट्रेन स्वीकृति की जानकारी आई थी जो छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन के रैक से चलाई जानी है। छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन तो प्रारंभ हो चुकी है, जल्द ही मंडला नैनपुर ट्रेन भी प्रारंभ की जाए। सातवां सुझाव, मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की पिछली बैठक के दौरान तत्कालीन DRM श्री उप्पल द्वारा जानकारी दी गई थी कि जबलपुर से लखनऊ तक चलने वाले चित्रकूट एक्सप्रेस को मंडला फोर्ट तक विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है, कृपया उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। आठवां सुझाव, नैरोगेज के समय वर्ष 2015 तक मकर संक्रांति पर्व पर गोंदिया नागपुर से मंडला फोर्ट के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाती थी, जिससे हजारों श्रद्धालु लाभान्वित होते थे। कृपया मकर संक्रांति पर्व के दौरान पुनः फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाया जाना प्रारंभ किया जाए। महोदय जी, आपसे अनुरोध है कि आप उक्त सुझावों और लंबित प्रस्तावों के संबंध में रेल मंत्रालय सहित अन्य उच्च अधिकारियों के माध्यम से मंडला से रेल सेवा विस्तार हेतु प्रयास करें, जिससे इस जनजातीय बहुल्य क्षेत्र को भारतीय रेल की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दोस्तों इस प्रकार DRUCC मेंबर श्री विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा मंडला से महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।